ओम नमः शिवाय। दुर्लभ सामग्री को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन के ऊपर यहाँ क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले। दुर्लभ सामग्री के असली ग्रुप में शामिल होने के लिए हमें 9896153833 पर अपना नाम और अपनी फ़ोटो भेजें। साथ ही नकल से सावधान रहें। दुर्लभ सामग्री के नाम से बहुत सारे चैनल और बहुत सारे ग्रुप खोल दिए गए हैं, जैसे कि दुर्लभ उपाय इत्यादि, तो उन सब फर्जी ग्रुपों से आप अपने आप को सुरक्षित रखिए और केवल असली दुर्लभ सामग्री के ग्रुप में शामिल हो। आप सभी को मैं एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूँ। यदि आपको कोई भी रिप्लाई में बोले कि ये गुरुजी का नंबर है, आप इस पर कॉल लगा लीजिए, या फिर आपको बोले कि बेटा हम आपका काम कर देंगे, इस नंबर पर कॉल लगाइए, तो ऐसे लोगों से कदा भी संपर्क मत कीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यदि किसी ने आपको ऐसे कमेंट में, रिप्लाई में ये लिखकर बोला है कि बेटा आपका काम यहाँ बनेगा, यहाँ कॉल कीजिए, या किसी भी तरह से उन्होंने कहा है कि हमारे पास आपका काम बनेगा, या उन्होंने कहा मैं किसी भी गुरु के पास गया, मेरा काम नहीं बना, और मैं फलां गुरु के पास गया और मेरा काम बन गया, तो ऐसे लोगों से अपना रास्ता रखिए, दूरी बना के रखिएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यदि ऐसे आपको मैसेजेस आ रहे हैं, तो समझदार बनिए, इनको इग्नोर करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। सर्वप्रथम इस उपाय को करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस उपाय को यदि आप सिद्ध करना चाहते हैं तो इसकी सामग्री कृपया आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए और अपने पास उपाय को शुरू करने से पहले रख लीजिए। इसमें आपको 108 दाने की रुद्राक्ष की माला चाहिए, एक बड़ का पत्ता होना चाहिए आपके पास, या बरगद का पेड़ या बड़, आप कुछ भी कह लीजिए। आपके पास सिंदूर होना चाहिए लोहे के पात्र में रखा हुआ, एक आसन होना चाहिए, एक लाल रंग का पेन मार्कर स्केच। आज मैं जो आपको उपाय बता रहा हूँ ये इतना प्रभावशाली है कि कई बार तो इसे करते करते ही रिजल्ट आ जाता है, परिणाम आपके सामने आ जाएगा मात्र उसको करते करते ही। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, इसके लिए जो भी आपको चीज़ें करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको एक बरगद के पेड़ का पत्ता या बड़ के पेड़ का पत्ता कह लीजिए, वो आपको लेना है। ध्यान रहे पत्ता साफ सुथरा हो, कहीं से कटा फटा ना हो, पूर्णता हो, और साफ सुथरा पत्ता ही इसमें काम करेगा। और आपको चाहिए एक लाल पेन या फिर एक लाल मार्कर जिससे आप इसके ऊपर लिख सकें, अनार की कलम है तो और भी अच्छा है। थोड़ा सा सिंदूर हो आपके पास, लोहे के पात्र में हो तो बहुत ही ज़्यादा असर करता है। हल्के से उसके ऊपर आपको सिंदूर को लगा देना है, पहले ऊपर की तरफ उसको सिंदूर को लगा दीजिए, सिंदूर थोड़ा लगाना है, ज़्यादा नहीं, और उसके पीछे भी आपको सिंदूर लगा देना है ठीक इसी प्रकार से जैसे मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको पूरी तरह से ये पहले सिंदूर लगा लेना है अच्छे से इसके आगे और दोनों तरफ। जब सिंदूर लग जाए तो लाल पेन या फिर जो लाल मार्कर है आपका उसको ले लीजिए, और उसके बाद आपको इसके ऊपर सबसे पहले एक स्वास्तिक का सिंबल बनाना है। और स्वास्तिक सिंबल बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। आपको सर्वप्रथम शुरू में स्वास्तिक का सिंबल बनाना है, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं बिल्कुल वैसा ही बनाइए। जब आपका स्वास्तिक सिंबल बन जाए तब पीछे की तरफ भी एक स्वास्तिक का सिंबल जरूर बनाएं। जब दोनों तरफ आप आगे पीछे स्वास्तिक का सिंबल बना लें तब ऊपर दो रेखाएं खींचना ना भूलिएगा, और ठीक उसी की नकल दो रेखाएं नीचे को खींच दीजिएगा उसी प्रकार से। तत्पश्चात आपको बीच में इस यंत्र को बनाना है जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही गुप्त यंत्र है। ठीक इसी प्रकार से बनाइए जिस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ, और कोशिश यही कीजिए कि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। यदि त्रुटि हुई तो यह सफल नहीं होगा, आपका काम नहीं बनेगा। ठीक इसी प्रकार से बनाइए। आराम से बनाइए, किसी जल्दीबाजी में इसको नहीं बनाना, अपने कामों से निवृत्त होके करना है इसको।
शुक्रवार के दिन ये काम करना है, शुक्रवार के दिन किसी भी समय आप ये काम कर सकते हैं। यह यंत्र आपको बनाना है और उसके ठीक पीछे दो रेखाएं फिर खींच दीजिए। ऊपर आपको लड़के का नाम लिखना है, उसके नीचे दो रेखाएं खींच दीजिए और उसी की नकल आपको नीचे भी करनी है। लड़की का नाम लिखना है और दो रेखाएं नीचे भी खींच दीजिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसके बाद इन दोनों रेखाओं को आपस में मिला दीजिए। ये आपका यंत्र कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। अब इसको ठीक इसी प्रकार से मोड़ें जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तरह से मोड़ने के बाद आपको जो आपके पास माला है, जो रखी हुई है माला, 108 दाने की माला रुद्राक्ष की, उससे आपको गायत्री मंत्र जाप करना है 108 बार। यदि आप गायत्री मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं तो अपने इष्ट देवता को मना सकते हैं, इष्ट देवता से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा प्यार हमें मिल जाए, या जो भी काम के लिए आप करना चाहते हैं। और ये पत्ता अब एक यंत्र का रूप ले चुका है। ध्यान रहे, इसे आपके अलावा और कोई भी ना छुए, और इसको आपको किसी ऐसी जगह रख देना है छुपा के, जहां कोई और ना देख सके। और जैसे जैसे पत्ता सूखता जाएगा, आपका प्रेमी आपके प्यार में पागल होता जाएगा, आपकी तरफ आता जाएगा। आप इस उपाय को करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा चमत्कारी है और इसके रिजल्ट मिलेंगे इतनी जल्दी जितना आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते। इसके रिजल्ट का परिणाम इतना जल्दी आता है। और उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और यदि कोई सवाल रह जाता है तो आप हमें व्हाट्सएप पर या ईमेल कर सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। ओम नमः शिवाय।